Good morning to all. I welcome to all of you for this our today's session of Museums Heritage in India. And our today's session is about museums in Himachal Pradesh. I most welcome to hear Dr. Vipin Sharma ji, who is with us. मैं आज के हमारे प्रमुख व्याख्याता जो है डॉक्टर विपिन शर्मा जी उनका यहाँ पर स्वागत करता हूँ और मैं थोड़ा सा उनके बारे में पहले यहाँ पर परिचय देना चाहूँगा। विपिन शर्मा जी जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तथा पीएचडी जो है अपना रिसर्च वर्क जो है वो कंप्लीट किया और उसके बाद उन्होंने कई सारे अपने पब्लिकेशन जो है उनके रिसर्च पेपर्स जो नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार्स कॉन्फ्रेंसेस वर्कशॉप्स में पब्लिश किए, पर्टिकुलरली उनके रेफरेंस बुक्स वगैरह जो पब्लिश हुए जिसमें ट्रेंड्स ऑफ आर्कियोलॉजी इन इंडिया, फिर उसके बाद बारा कल्चर के बारे में उन्होंने ये किया, अडॉप्शन एंड सर्वाइबिलिटी अगेंस्ट एनवायरमेंटल बैकड्रॉप्स अ केस स्टडी ऑफ बारा कल्चर, इस तरह से उन्होंने अपना रिसर्च किया। उनका वर्क एक्सपीरियंस अगर देखा जाए तो ही वर्कड एज अ जूनियर रिसर्च फेलो एंड देन सीनियर रिसर्च फेलो इन डिपार्टमेंट ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कियोलॉजी इन पंजाब यूनिवर्सिटी from 2012 to 2017 and now he is working as assistant professor in history department government of government degree college Nargota Surian district Kangra Himachal Pradesh from 17th April 2017. So I most welcome to Dr. Vipin Sharma ji and I request to him please start our today's session. Dr. Vipin Sharma ji, most welcome sir. Thank you sir. Yeah. अच्छा मैं अब दिखाई दे रहा हूँ मेरे आवाज़ yes, yeah. जी okay. जी थैंक यू। ये जो आपने सेशन चला रखे है सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहता हूँ कि इतना सक्सेसफुल जा रहा है सब कुछ, तो आपने मुझे मौका दिया उसका मैं आपको थैंक्स करना चाहता हूँ कि मैं आज म्यूजियम ऑफ हिमाचल प्रदेश जो भी म्यूजियम यहाँ पे है उस पर जो ये लेक्चर है स्पेशल लेक्चर प्रेजेंट करना चाहता हूँ। तो मेरी अब स्क्रीन जो है मैं उसको शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ ताकि आप जो भी मेरी प्रेजेंटेशन है वो प्रॉपरली देख सके। तो आपको स्क्रीन दिख रही है? नहीं अभी तो नहीं, आपने आपके स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंट नाउ एंड योर एंटायर स्क्रीन क्लिक किया है? जी सर। अभी तक तो स्क्रीन यहाँ इस तरफ नहीं दिखाई दे रही है। ओके। आपके स्क्रीन पर आप प्रेजेंट नाउ पर क्लिक करके योर एंटायर स्क्रीन क्लिक कीजिए और अलाउ कीजिए। हाँ यस नाउ इट्स ओके, नाउ इट्स ओके, अब आ गया जी। ओके तो आज का जो टॉपिक है वो है म्यूजियम इन हिमाचल प्रदेश एंड आई एम डॉक्टर विपिन शर्मा असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिस्ट्री वर्किंग इन गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नगरोटा सूर्या डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। तो ये मेरा छोटा सा वेरी सॉरी आपका स्क्रीन के ऊपर जो स्टॉप शेयरिंग के बाजू में हाइड है उसको क्लिक कीजिए प्लीज। यस थैंक यू जी। ओके तो अगर पहले आपको हिमाचल प्रदेश के बारे में जानना जरूरी होगा क्योंकि हिमाचल प्रदेश जो है जब तक आप इसके बारे में नहीं जानोगे तो इनका यहाँ की जो कल्चरल हेरिटेज है या जो भी यहाँ के बारे में तो उसको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश जो है वो नॉर्थ इंडिया में है और ये एक हिली स्टेट है और हिमालयन की जो रेंजेज है चाहे वो शिवालिक है चाहे लेसर हिमालय चाहे अपर हिमालय है वो सारे यहाँ से गुजरते हैं। तो अपर हिमालय में आपको जो किन्नौर और लाहौल स्पीति और चंबा डिस्ट्रिक्ट का एरिया है और उसके बाद लेसर हिमालय में शिमला सिरमौर कांगड़ा का एरिया है और शिवालिक में आपको जो निचला इलाका भी कहा जाता है वो पड़ेगा। तो शिवालिक जो है यहाँ पे इन तीनों जगह की जो टेरेन है वो थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, बेशक ये हिली एरिया है लेकिन थोड़ा अलग अलग है और इसी क्योंकि ज्योग्राफिकल जो लोकेशन है वो कल्चरल हेरिटेज को भी इफेक्ट करती है ये सब जानते हैं, तो इसीलिए यहाँ की जो कल्चरल आइडेंटिटी है वो यूनिक हो जाती है और रिच इसीलिए हो जाती है क्योंकि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में आपको अलग अलग कल्चर देखने को मिलेगा। तो इसी कल्चरल हेरिटेज को
प्रिजर्व करने के लिए हिमाचल में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग म्यूजियम भी है। तो इसमें लगभग 23 जो मोस्ट फेमस म्यूजियम्स है उसकी मैं आपको लिस्ट डिस्प्ले करने वाला हूँ। तो ये लिस्ट है हमारी म्यूजियम्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। इसमें जो मेन म्यूजियम है वो है हिमाचल स्टेट म्यूजियम लोकेटेड इन शिमला, तो ये शिमला में है। दूसरा है भूरी सिंह म्यूजियम, ये चंबा में है। तीसरा म्यूजियम ऑफ हिमाचल कल्चर एंड फोक आर्ट, ये लोकेटेड है मनाली में इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। फिर आर्मी हेरिटेज म्यूजियम, ये लोकेटेड है अन्नाडेल में जो कि शिमला के पास है। फिर बाबा भलकू रेल म्यूजियम इन शिमला। फिर डगशाई जेल म्यूजियम, अगेन इन डगशाई, ये डगशाई जो है सोलन डिस्ट्रिक्ट में है। फिर जॉनी वैक्स म्यूजियम, ये शिमला में है। फिर इंटरनेशनल रोरिक मेमोरियल ट्रस्ट म्यूजियम, ये नगर में है, ये कुल्लू के पास है नगर। फिर वाइस रीगल लॉज, ये आजकल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी के नाम से भी जाना जाता है और ये शिमला में लोकेटेड है। नेक्स्ट है शोभा सिंह आर्ट गैलरी, ये विलेज अंद्रेटा में है जो कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। फिर ये सेकेंड लिस्ट है, इसमें हम कांगड़ा आर्ट म्यूजियम देख रहे हैं पहला, जो कि धर्मशाला में लोकेटेड है इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट अगेन। फिर शिमला हेरिटेज म्यूजियम, ये शिमला में है। फिर द तिब्बत म्यूजियम, ये मैकलोडगंज जो कि धर्मशाला में पड़ता है और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। नेक्स्ट है राजा संसार चंद्र म्यूजियम एंड कैफ, ये कांगड़ा में है। कांगड़ा जो किला है फोर्ट कांगड़ा, उसके पास ही है ये। और नगरकोट फोर्ट म्यूजियम, ये भी फोर्ट के अंदर है, जो कांगड़ा का फोर्ट है, किला जिसको कहा जाता है यहाँ पर, तो उसके अंदर है। फिर नेक्स्ट है हिमाचल दर्शन फोटो गैलरी, ये शिला किप्पर, एक विलेज है मंडी डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पर आपको डिफरेंट फोटोज मिलेंगे जो कि हिमाचल की, चाहे वो फिजिकल हेरिटेज है, कल्चरल हेरिटेज है, वो आपको सब यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर स्टेट आर्ट म्यूजियम धर्मशाला कांगड़ा। नेक्स्ट है नगर कासल इन नगर कुल्लू। नेक्स्ट है वार म्यूजियम जो कि धर्मशाला में लोकेटेड है। और नेक्स्ट है शिवालिक फॉसिल पार्क जो सुकेती में है और सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है। अब हमारे पास 23 जो म्यूजियम्स है उसकी हमने लिस्ट देखी, लेकिन हम सबके सब मतलब आज ही ये नहीं कर सकते हैं सभी को डिस्कस, तो मैंने सिर्फ 9 जो म्यूजियम्स है उन्हीं को सिलेक्ट किया है। तो 9 म्यूजियम में से 9 म्यूजियम जो भी है उसको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। इसमें सबसे पहला है हिमाचल स्टेट म्यूजियम और ये लोकेटेड है शिमला में। तो ये जो म्यूजियम है इट इज हाउस्ड इन एन ओल्ड विक्टोरियन मैसन, और ये मैसन जो है उस समय इनवेरम नाम से जाने जाते थे। इनवेरम जो है वो होता है एक मड हाउस, तो उस समय तो ये इनवेरम था, लेकिन बाद में आफ्टर इंडिपेंडेंस इसको जब यहाँ पे म्यूजियम जो है इस्टेब्लिश किया गया 1974 में, तो उस मैसन को जो है उसको कन्वर्ट किया गया, उसको रेनोवेट किया गया और उसको एक म्यूजियम बनाया गया। तो म्यूजियम जो है विजिटर के लिए 10 to 5 PM ओपन रहता है, लेकिन ये मंडे और गेस्टेड हॉलीडेज को क्लोज रहता है। फिर यहाँ पे अगर आपने एंट्री करनी है तो एंट्री टिकट जो है इंडियन को वो 40 rupees है और फॉरनर के लिए 100 rupees है। यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ पे हिमाचल की ऑलमोस्ट सारी हर डिस्ट्रिक्ट की जो कल्चरल हेरिटेज है वो प्रिजर्व की गई है, और उस कलेक्शन में आपको आता है आर्कियोलॉजी, जो ऑब्जेक्ट्स वहाँ पे आर्टिफैक्ट्स उसमें है वो ऑन आर्कियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, आर्मी कलेक्शन, स्कल्पचर्स, कॉइन, कंटेम्प्रेरी आर्ट एंड क्राफ्ट, वुड कार्विंग, वॉल पेंटिंग्स, राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग, पहाड़ी पेंटिंग एंड ज्वेलरी। तो इन सभी को अलग अलग सेपरेट जो गैलरीज है उनमें डिस्प्ले किया गया है, और ये जो गैलरीज है वो अलग अलग 2 फ्लोर्स में है। तो ग्राउंड फ्लोर जो है उसमें प्रिजर्व किया गया है एंथ्रोपोलॉजी, चंबा वॉल पेंटिंग, हिमाचल आर्कियोलॉजी, ज्वेलरी, हिमाचल लोकल डीटीज, नुमिस्मेटिक्स, स्कल्पचर एंड वुडन आर्टिफैक्ट्स को। और जो फर्स्ट फ्लोर है उस पर आपको मिलेगा आर्मी रिलेटेड जो एंटिक्विटीज है,
फिर ब्रोंज, ब्रोंज मतलब जो ब्रोंज के जो स्कल्पचर्स है वो, कंटेम्प्रेरी आर्ट, पहाड़ी आर्ट, फ्रीडम मूवमेंट्स ग्लिम्सेस एंड चिल्ड्रन सेक्शन। तो हिमाचल की और अदर स्टेट्स की भी एंटीक्विटी यहाँ पे प्रिजर्व की गई है। तो ये एंटीक्विटीज के मैं आपको कुछ पिक्स दिखाने वाला हूँ कि वहां पे क्या क्या डिस्प्ले किया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है पॉटरी और ये बिलोंग करती है 6th century BC और ये किबर एक विलेज है लाहौल एंड स्पीति में। लाहौल एंड स्पीति जो है हिमाचल का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट भी है। तो वहां पर आपको एक किबर विलेज है, वहां से हमें एक स्केलेटल रिमेन्स भी मिला है और साथ ही साथ ये जो पॉटरी है या अन्य आर्टिफैक्ट्स है वो भी मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आप पॉटरी देख रहे हो। फिर ये है एक ब्रिक एंड अदर जो छोटे आर्टिफैक्ट्स आपको साइड में दिख रहे हैं। तो ये ब्रिक मिली है पब्बर वैली से, और पब्बर वैली जो है ये शिमला डिस्ट्रिक्ट के रोहडू तहसील एक पड़ती है वहां पर है। तो पब्बर वैली मतलब ये पब्बर रिवर है, एक छोटी ट्रिब्यूटरी है। तो उस वैली के आसपास जो भी हमें मटेरियल मिल रहा है, ये ब्रिक जो है ये शुंग टाइम की है, शुंग पीरियड की। नेक्स्ट आपको यहां पर जो है ये दिखेंगे पैलिथिक टूल्स, और ये वो किब्बर वाली गैलरी है जो किब्बर से हमें मिल रहा है। तो पैलिथिक टूल्स भी हमें मिल रहे हैं, लेकिन पैलिथिक टूल जो है ये हमें अगेन ये आपको लाहौल स्पीति का जो मैप है वो दिख रहा है। तो लाहौल स्पीति के पास हमें ये इस तरह के टूल्स भी मिलते हैं साथ में। ये वो स्केलेटल रिमेन था जो हमें किब्बर से मिला है, वो यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। ये वहां पे कुछ जो डेली यूजेस के यूटेंसिल्स है या इक्विपमेंट्स है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। ये 19th century के है, बाद के, ये किब्बर के नहीं है बल्कि अन्य जगह से है। तो इसमें आपको जो है प्लेट दिख रही है, इसमें बॉल दिख रही है, जार दिख रही है, हुक्का दिख रहा है, या जो कुछ ऐसे ये जो है खोखरी है, इसको खोखरी कहा जाता है, एंड ये मीट जो होता है उसको काटने के लिए यूज होता है। ये है चंबा रुमाल। अब चंबा रुमाल जो इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसको वोवन किया जाता है थ्रेड से, डिफरेंट कलर के थ्रेड्स को यूज करके। इसमें आपको एक तो ये पेंटिंग का जेस्चर देता है कि आपको लगेगा पेंटिंग है, लेकिन ये पेंटिंग नहीं है बल्कि ये वोवन थ्रेड्स है। तो चंबा रुमाल की ये बहुत बड़ी खासियत है। चंबा रुमाल ये छोटे भी होते हैं और ये बड़े भी मिलेंगे आपको। तो यहाँ पर एक जो ये चंबा रुमाल का स्पेसिमेन मैं आपको दिखा रहा हूं। नेक्स्ट ये एक गैलरी है जिसको हम आर्मी गैलरी कहते हैं। तो आर्मी गैलरीज में आपको ये डमीज दिख रहे हैं जिन्होंने आर्मी की डिफरेंट जो ड्रेसेस होती है वो पहनी हुई है, और साथ ही साथ जो सामने आपको दिख रहा है या जो साइड में दिख रहा है, ये जो मिसाइल्स है या इसके कुछ जो है स्पेसिमेंस रखे गए हैं। इस तरह के जो मुखौटे, इनको मुखौटे कहा जाता है या इनको मोहरे कहा जाता है। तो ये लोकल डीटी जो हिमाचल के, अगर आपने कभी कुल्लू के दशहरे की वीडियो देखी हो या हिमाचल के किसी भी वीडियो को देखा हो, उसमें आपने देखे होंगे कि जो यहाँ के डीटीज है उनको रथ में दिखाया जाता है नाचते हुए। तो उनमें इस तरह की ये जो मुखौटे या जो मोहरे है वो पहनाए जाते हैं, और वो फिर अपनी जो भी उनकी पावर प्रोवेस है उसके जो आपको देखने को उन देवी देवताओं में या जो डीटीज है उसमें मिलता है। तो इस तरह के आपको कुछ स्पेसिमन जो है आपके इस म्यूजियम में डिस्प्लेड है। ये ब्रोंज सेक्शन में है या जो स्कल्पचर सेक्शन था उसमें है। ये शिव और पार्वती है और साथ में नंदी इसमें दिखाया गया है, और ये ब्रास की बनी हुई है। ये कंटेम्पररी आर्ट गैलरी का पार्ट है, और कंटेम्पररी आर्ट में आपको जो डिफरेंट पेंटिंग्स है वो देखने को मिल रही है। ये ज्वेलरी सेक्शन है। ज्वेलरी सेक्शन में जो हिमाचल के लोग, हिमाचल की जो औरतें हैं जो डिफरेंट सिल्वर ज्वेलरी पहनती है वो आपको इसमें देखने को मिल रही है।
चाहे वो नेकलेसेस है या आर्मलेट्स है या अदर थिंग्स है। ये कुछ स्पेसिमन है पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग के। पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ आर्ट है जो कि मेनली हिमाचल में डेवलप हुई, कांगड़ा में, नूरपुर में, या जो यहाँ की रियासत थी। इनकी खास बात यह कि ये लीनियर पेंटिंग्स है, लाइन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और जो कलर्स है वो ब्राइट यूज किए जाते हैं। और ये मिनिएचर ज़्यादातर जो बुक्स होती थी, मैन्युस्क्रिप्ट्स होती थी, ज़्यादातर आपको उसमें देखने को मिलेगी, और वॉल पेंटिंग के लिए भी ये यूज की जाती है। ये राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग्स है। मैंने ये भी कहा था कि कुछ जो अदर स्टेट्स है वहाँ की भी एंटिक्विटीज यहाँ पर डिस्प्ले की गई है। तो इसमें से आपको जो राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग्स है उसके कुछ स्पेसिमेंस इस म्यूजियम में देखने को मिलते हैं। ये स्कल्पचर गैलरी के कुछ स्कल्पचर्स है। इसमें सेंटर में जो आपको स्कल्पचर दिख रहा है ये है सूर्य का। इसके लेफ्ट में आपको कुबेर गॉड जो है वो दिख रहे हैं, इनके हाथ में पॉट है और इनकी बेली जो है वो बड़ी दिखाई जाती है। फिर इनके जो राइट में है, राइट में आपको शिव जो कि गुज्जर प्रतिहार जो आर्ट है उससे इन्फ्लुएंस्ड हमें देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट, ये भी कुछ मिनिएचर जो पेंटिंग्स है उसके स्पेसिमेंस है, अगेन पहाड़ी मिनिएचर जो पेंटिंग्स है। ये जो वुड गैलरी है या वुडन कार्विंग की जो गैलरी है उस पर आपको इस तरह के कार्विंग मिलेगी। इसमें आपको अलग अलग, यहाँ पे आपको मुखौटे दिख रहे हैं, ये मुखौटे हैं, ये स्पेसिमेंस है जो यहाँ पे टेंपल्स है, टेंपल आर्किटेक्चर के स्पेसिमेंस है ये भी, और ये भी आपको दिख रहे हैं नीचे। और ये कुछ जो हम कह सकते हैं कि ये लेडीज है, और जो यहाँ की बकरिया या भेड़े जो जिनको ये पालती है उनके साथ ये उधर पास्चर में हो सकती है या अन्य जगह हो सकती है। फिर नेक्स्ट म्यूजियम है भूरी सिंह म्यूजियम। भूरी सिंह म्यूजियम जो है वो चंबा टाउन में लोकेटेड है, और ये म्यूजियम मोर देन 8500 एंटीक्विटीज को प्रिजर्व करता है जो कि डिफरेंट आर्ट, आर्कियोलॉजी, क्राफ्ट और कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड आर्टिफैक्ट्स है। ये म्यूजियम आपको 10 to 5 ओपन मिलेगा, लेकिन मंडे और गेस्टेड हॉलीडेज को ये क्लोज रहता है। यहाँ पर एंट्री टिकट 40 rupees इंडियन के लिए है और 100 rupees फॉरनर के लिए है, जबकि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स है वो 10 rupees में एंटर कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या कलेक्शन है हम इसकी बात करेंगे। तो कलेक्शन में यहाँ पर पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग्स, स्कल्पचर, फाउंटेन स्टोन स्लैब्स, कॉपर एंड सिल्वर प्लेट्स, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, कॉइन्स, ब्रॉन्जेस, ओल्ड फोटोग्राफ्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स, ऑर्नामेंट्स और ज्वेलरी, वुड कार्विंग, टेक्सटाइल, आर्म्स एंड आर्मर, मैन्युस्क्रिप्ट, डेकोरेटिव कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, म्यूरल एंड रिचुअल ऑब्जेक्ट्स को ये प्रिजर्व करते हैं। तो यहाँ पर भी आपको अलग अलग गैलरीज मिलेगी, और ये गैलरीज में आपको चंबा आर्ट गैलरी, आर्कियोलॉजी, पहाड़ी पेंटिंग, चंबा हिस्ट्री, ओल्ड फोटोग्राफ, न्यूमिस्मेटिक्स और एंथ्रोपोलॉजी गैलरी आपको देखने को मिलेगी, जिसपे आप ये अलग अलग जो भी यहाँ की कलेक्शन है उसको देख सकते हो। तो इसमें जो चंबा आर्ट गैलरी है उस कलेक्शन में आप ये देख रहे हो जो पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग्स है वो डिस्प्ले की गई है। और यहाँ की खास बात यह है कि जितनी भी ये एंटीक्विटी है, ज्यादातर एंटीक्विटी राजा भूरी सिंह जो समय वहां के राजा थे उस रियासत के, चंबा रियासत के, उन्होंने ये डोनेट की है म्यूजियम सेटअप करने के लिए। और म्यूजियम सेटअप करने में जेपी वोगल जो है उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो उन्होंने इस म्यूजियम को सेट किया है राजा भूरी सिंह की हेल्प से, इसीलिए इस म्यूजियम का नाम राजा भूरी सिंह म्यूजियम रखा गया है। ये आर्कियोलॉजी गैलरी है, इसमें आपको जो डिफरेंट स्टोन स्लैब्स है उस पर जो कार्विंग की गई है
या स्कल्पचर बनाए गए हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं। ये पहाड़ी मिनीचर पेंटिंग्स है, जो पहले डिस्प्लेड थी उसमें आपको प्रॉपर नहीं दिख रही थी, इसलिए यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा और बड़ा करके दिखाया गया है। ये कुछ कॉपर प्लेट्स इंस्क्रिप्शंस है और चंबा की हिस्ट्री के बारे में ये बहुत कुछ बताते हैं। ये कुछ कॉइन्स है न्यूमिस्टिक्स गैलरी के, इसमें इंडो ग्रीक और सल्तनत और मुगल टाइम के जो कि जो कॉइन्स है वो आपको दिख रहे हैं। ये एंथ्रोपोलॉजी गैलरी इसको कहा जाता है और इसमें आपको आर्मर ज्वेलरी और जो अदर, जैसे ये डोर दिख रहा है आपको सेंटर में, ये डोर है और ये बोगी है जो आपको रथ की जो बोगी होती है वो देखने को आपको मिल रही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्मी हेरिटेज म्यूजियम, जो कि अन्नाडेल शिमला में लोकेटेड है। अन्नाडेल जो है शिमला के पास ही है, ज्यादा दूर नहीं है, शिमला में ही है, मतलब अगर आप मेन सिटी की बात करें तो ये शिमला में ही आता है। तो ये म्यूजियम भी 10 to 5 ओपन रहता है और मंडे और गेस्टेड हॉलीडेज को क्लोज रहता है। तो यहाँ एंट्री फ्री है, लेकिन अगर आप इस म्यूजियम को विजिट करना चाहते हो तो आपके पास एक वैलिड आईडी प्रूफ होना बहुत जरूरी है, जिससे आपको पता हो कि भाई ये कौन है, आपको एक कैरी करना है आइडेंटिटी प्रूफ। तो यहाँ पर जो है मॉडर्न और ट्रेडिशनल जो वेपन्स है, यूनिफॉर्म्स, फ्लैग्स, आर्मरी एंड अदर जो मिलिट्री आइटम्स है उसको डिस्प्ले किया गया है। तो डिस्प्ले करने के लिए म्यूजियम के अंदर डिफरेंट गैलरीज है, अदरवाइज जो बड़े आर्टिफैक्ट्स है लाइक आर्टिलरी या जो अदर्स थिंग है उनको ओपन पार्क में डिस्प्ले किया गया है। तो ये आपको कुछ रॉकेट लॉन्चर्स या राइफल्स दिख रही है जो कि ये आर्म्स सेक्शन में है। ये कुछ वेलर्स रिलेटेड या इंसाइनिया है जो आर्मी के डिफरेंट रेजिमेंट्स की होती है वो डिस्प्ले किया गया है। ये डिफरेंट यूनिफॉर्म्स है आर्मी की, ये आर्मी के आपको फ्लैग्स दिख रहे हैं, डिफरेंट फ्लैग्स। ये कुछ इंसाइनिया है बाहर एक वॉल पे डिस्प्ले किए गए हैं। तो डिफरेंट जो कमांड्स है, डिफरेंट जो आर्मी की रेजिमेंट्स है उनकी ये अलग अलग इंसाइनिया है। अभी डिफरेंट पिक्स मैंने एक साथ डाल दी क्योंकि नहीं तो स्लाइड्स बहुत बन जानी थी। ये आपको दिख रहा है ओपन, ये जो ओपन पार्क है उस पर आपको एक सोल्जर की का जो स्कल्पचर है वो दिख रहा है। यहाँ पर जो बस्ट है चार जो हीरोइक सोल्जर रहे हैं उनकी, ये राइफल्स है, ये ड्रेसेस है, ये आर्टिलरी है, आर्टिलरी गन, आपको दो आर्टिलरी गन जो है इसमें दिख रही है। नेक्स्ट बात करेंगे बाबा भलकू रेल म्यूजियम की। बाबा भलकू रेल म्यूजियम ये शिमला में लोकेटेड है, जो कि ओल्ड बस स्टैंड जो है शिमला का उसके उसके मतलब हम कह सकते उसी में है, ये निचली तरफ है। पहले वहां पर रेलवे स्टेशन हुआ करता था, तब रेलवे स्टेशन वो बंद हो चुका है, लेकिन उस रेलवे स्टेशन को कन्वर्ट किया गया है एक रेल म्यूजियम के रूप में। तो इसको डेवलप किया गया अंबाला डिवीजन द्वारा, जो कि नॉर्दर्न रेलवे का डिवीजन है, और इसको जो कालका रेल, कालका और शिमला रेलवे लाइन है, जो कि यहाँ पे टॉय ट्रेन चलती है, छोटी नैरो गॉज की ट्रेन चलती है, तो इसको 100 साल से भी ज्यादा हो गए हैं इस ट्रेन को चलते हुए। तो इसको आज यूनेस्को हेरिटेज साइट्स में इंक्लूड किया गया है 2013 में। 2013 में इसको पूरे 100 साल हो चुके थे। तो इसी हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए इस म्यूजियम को सेटअप किया गया था। और अब बाबा भलकू कौन था जिसके नाम पे इस म्यूजियम को रखा गया? तो बाबा भलकू ने इस ट्रैक को शिमला तक पहुंचाने के लिए कुछ अपने जो स्किल्स थी उसके पास उसको शेयर किया था ब्रिटिशर जो इंजीनियर थे उनके साथ। हालांकि बाबा भलकू कोई टेक्निकली
ऐसा टेक्निकली एजुकेटेड नहीं था, ये एक इलिटरेट था और शेफर्ड था, भेड़े चराता था। लेकिन जो भी कहा जाता है इसके पास, इसके बारे में ये कहा जाता है कि ही वॉज पोजेस्ड विद सुपर नेचुरल इंजीनियरिंग स्किल्स एंड हेल्प द ब्रिटिशर्स इन लाइंग डाउन द कालका शिमला रेलवे ट्रैक। तो ये तो सच है कि इसको कुछ ना कुछ सुपर नेचुरल इंजीनियरिंग स्किल्स थी, चाहे ये शेफर्ड था। तो इसने बहुत हेल्प की थी उस समय, तो इसके नाम पर ही बाबा भलकू रेलवे ये म्यूजियम है उसका नाम रखा गया। तो इसमें आपको क्या क्या मिल रहा है, इसमें आपको रेयर आर्टिफैक्ट्स मिल रहे हैं म्यूजियम में देखने को, और ओल्ड वुडन बेंचेस है, चेयर्स है और वॉल क्लॉक्स है। और उस जो वॉल क्लॉक्स वहां पे रखी गई है वो म्यूजियम वो इंग्लैंड में बनी हुई थी, मेड इन इंग्लैंड है। तो इसमें साथ ही साथ आपको मिल रहा है ट्रेन के सेवरल पार्ट्स मिल रहे हैं देखने को, और जो भी यहाँ पर आर्टिफैक्ट्स है वो 20th सेंचुरी के ज्यादातर डिस्प्ले किए गए हैं। तो यहाँ पर जो है कटलरी भी है, फाइन ग्लासवेयर भी है। बाकी हम मैं इसमें जो यहाँ की पिक्स है उसमें आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो एरिया है, इसमें आपको चेयर्स बेंचेस वगैरह आपको देखने को मिल रहे हैं। ये कटलरी, ये आपको कटलरी आइटम मिल जाएगी देखने, कटलरी कप्स हो गए, प्लेट्स हो गई, डिफरेंट ये वेस हो गया, इस तरह की बहुत सारी चीजें यहाँ पे जो भी रिलेटेड थी रेलवे से उसको डिस्प्ले किया गया है। ये बस्ट है बाबा भलकू की, और यहाँ पे आपको दिख रहा है ग्लासवेयर है, कटलरी है, और ये कुछ मैनुअल्स है जो कि इंडियन रेलवे के यहाँ पर रखे गए हैं। ये बैजेस हैं रेलवे पर्सन से रिलेटेड, ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, कटलरी होगी। ये जो एक वहां पर डिस्प्ले किया गया है, एक बोगी रखी गई है ट्रेन की, और उसके अंदर की जो लग्जरी सीट्स है उसको यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। ये अंदर का है और ये इसके बाहर का, बाहर की इमेज है। नेक्स्ट है डकशाई सेंट्रल जेल एंड म्यूजियम। तो डकशाई जो है ये सोलन में पड़ता है, और इस जेल को 1847 में बिल्ट किया गया था, और यहाँ पर 54 टाइनी मेसनरी सेल्स है। तो मेसनरी सेल्स है ये, यहाँ पे ईंट का यूज नहीं किया गया लेकिन पत्थरों का यूज किया गया है इसको बनाने के लिए। तो यहाँ कहा जाता है कि नाथुराम गोडसे वाज कैप्ट इन दिस प्रिजन एंड लिव्ड टू बी द लास्ट प्रिजनर ऑफ दिस जेल। उसके बाद यहाँ पे किसी प्रिजनर को नहीं रखा गया था। अब यहाँ पर जो है आपको कई विंटेज और आर्काइवल फोटोग्राफ्स मिलेंगे जो कि इंडिया, यूके और आयरलैंड से कलेक्ट किए गए हैं। और इस म्यूजियम, ये इस म्यूजियम की खास बात ये कि ये जेल म्यूजियम जो है इंडिया में दो ही है, पहले पहला जो है अंडमान निकोबार में और दूसरा डकशाई में है। तो ये म्यूजियम भी आपके लिए मंडे क्लोज रहेगा और बाकी दिन ये 9:30 to 5:30 ओपन रहता है। तो यहाँ पर भी एंट्री करने की कोई फीस नहीं है। ये इसका फ्रंट है म्यूजियम का, और ये अंदर जो सेल्स बने हैं यहाँ पर वो दिखाए गए हैं। ये इसका बैकयार्ड है, बैक साइड मतलब किस तरह से इसको, और ये एक ब्रिटिश टाइम का फायर हाइड्रेंट है जो कि यहाँ सामने ही म्यूजियम के सामने जो है बनाया गया था, तो उसको वैसे ही प्रिजर्व किया गया है। नेक्स्ट है शोभा सिंह आर्ट गैलरी अंदरेटा। शोभा सिंह आर्ट गैलरी जो है अंदरेटा विलेज में है, और ये एक प्राइवेट म्यूजियम है। ये मंडे क्लोज रहता है, अदरवाइज ये 10 to 5 आपको ओपन मिलेगा। 2011 में यहाँ पे जो फैमिली रह रही थी शोभा सिंह की, उन्होंने इसको रेजिडेंशियल, यहाँ का जो रेजिडेंशियल एरिया है उसको वेकेट करके इसको म्यूजियम में कन्वर्ट किया। तो यहाँ पर लगभग शोभा सिंह की जो लाइफ है उससे रिलेटेड 150 फोटोग्राफ आपको मिल जाएंगे, और अदरवाइज जो उसकी पर्सनल बिलोंगिंग्स है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो आर्ट वर्क तो यहाँ पर है ही है, मतलब पेंटिंग्स तो शोभा सिंह जो है वो पेंटिंग के लिए बहुत फेमस है, इनके पेंटिंग्स तो है ही है, लेकिन पेंटिंग के साथ साथ उन्होंने कुछ स्कल्पचर भी बनाए,
और वो स्कल्पचर्स चाहे वो पीओपी के हैं या अन्य जो बाकी मटेरियल था उसके बने हैं, वो यहाँ पे डिस्प्ले किए गए हैं। तो जो भी अगर कोई यहाँ का जो आर्ट क्राफ्ट से रिलेटेड चीज को खरीदना चाहता है, वो वहाँ पे एक परंपरा शॉप है, परंपरा उसको कहा जाता है, सोवेनियर शॉप है, वहां पर आपको वो खरीदने को मिल जाएगी। ये वहां पे एक बोर्ड लगा है शोभा सिंह आर्ट गैलरी में, और इसमें बताया गया है कि इसमें क्या क्या है शोभा सिंह आर्ट गैलरी में। ये वहां पे डिस्प्ले की गई कुछ आर्ट वर्क है शोभा सिंह के, जो कि रिलीजियस कैटेगरी में रखे जाते हैं। इसमें आपको मिलेंगे, सबसे ऊपर है ये कृष्ण की है, श्री कृष्ण, और ये श्री राम, उनके इमेजेस है, और ये गुरु नानक देव जी, ये गुरु गोविंद सिंह जी, ये जीसस क्राइस्ट, यहाँ गुरु रविदास जी, ये गुरु गोविंद सिंह जी अगेन, और ये बाबा फरीद जी। ये कुछ रोमांटिक पेंटिंग्स की कैटेगरी में रखे जाते हैं। इसमें आपको दिखेगा ये है मुमताज और शाहजहां, ये सोनी एंड माहिवाल, ये कांगड़ा ब्राइड इसको नाम दिया गया है। ये माहिवाल सोनी जो थी, सोनी और माहिवाल हीर और रांझा, ये आपको शायद पता हो, बहुत फेमस पंजाबी जो स्टोरीज है उसके ही ये कुछ, उन्हीं को शोभा सिंह ने आर्ट फॉर्म में लाने की कोशिश की है। तो सोनी जो है इसको कहा जाता है कि दिस इज सोनी इन हेवन, क्योंकि जब वो स्वर्ग, मतलब इसकी आफ्टर डेथ जब वो स्वर्ग गई है तो उस टाइम की, इस तरह से। ये हीर और रांझा का वो सीन है जब राजा जो है जोगी बन जाता है और उससे उसके हीर के पास जाता है भिक्षा मांगने, ये उस टाइम का उसको पोर्ट्रेट किया गया है। ये है गद्दी, जो यहाँ पर शेफर्ड्स होते हैं खासकर चंबा में, उनको गद्दी कहा जाता है। तो गद्दी जो गर्ल है उसकी ये एक इमेज बनाई गई है। नेक्स्ट है द तिब्बत म्यूजियम लोकेटेड इन धर्मशाला। तो धर्मशाला का जो मेन टेम्पल है सुंगलांगलांग खांग जो था, वहां पर ये टेम्पल का नाम है, वहां पर इस ये म्यूजियम जो है सिचुएटेड है। और इस होलनेस दलाई लामा जो 14th है अभी, उनका ये मेन टेम्पल है, और ये मैक्लो मैक्लोडगंज कहा जाता है, जो स्टेशन है वहां पर धर्मशाला में, वहां पर ये लोकेटेड है। यहाँ पर आपकी एंट्री फ्री है और ये मंडे को क्लोज रहता है, और साथ ही साथ ही सेकंड और फोर्थ सैटरडे को भी क्लोज रहता है। अब यहाँ पे क्या डिस्प्ले आपको मिलेगा, यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर जो मेनलैंड तिब्बत था जब वो चाइना उस पर अटैक करता है, उसको अपने कब्जे में लेता है, तो उस समय जो तिब्बतियन थे वहां पर दलाई लामा जी सहित, वो जब इंडिया की तरफ माइग्रेट करते हैं और वहां पर जो अटैक करते हैं, उस समय जो टॉर्चर और ट्रॉमा तिब्बतियन को होता है चाइनीज सोल्जर्स द्वारा, वो वहां पे डिस्प्ले किया गया है। और साथ ही साथ ये म्यूजियम कुछ एग्जीबिशन भी ऑर्गेनाइज करता रहता है, ताकि वो जो तिब्बत की जो कल्चरल आइडेंटिटी है उसको मेंटेन रखे, उसको वर्ल्ड को दिखा सके। तो यहाँ पे आप कुछ जो पिक्स है इसके अंदर की वो देखने को मिल रही है। ये एक कल्चरल मैप है कि अलग अलग जो जो तिब्बत इसको पूरे को कहा जाता है, लेकिन फिर भी अंदर इसकी जो कल्चरल अलग अलग लोग थे, किस तरह के थे, वो कहाँ कहाँ कौन कौन सी लोकेशन में रहते थे, ये उसके बारे में बताया गया है। ये इमेजेस है ओल्ड तिब्बत की। ये जब तिब्बत से इंडिया की तरफ दलाई लामा और अन्य जो तिब्बतियन थे उनके साथ आए, तो वो माइग्रेशन की जो जर्नी है उसके कुछ पिक्स यहाँ पे डिस्प्ले किए गए हैं। ये मेन वही म्यूजियम में एक गैलरी में थांका इन पेंटिंग को कहा जाता है थांका पेंटिंग्स। अब थांका पेंटिंग की खास बात क्या है, इसको वोवन किया जाता है सिल्क में। तो डिफरेंट कलर का जो सिल्क है
उसको यूज करके इनको या इस तरह की जो पेंटिंग्स है वो बनाई जाती है, इनको थांका पेंटिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है राजा संसार चंद्र म्यूजियम एंड कैफ, ये कांगड़ा में लोकेटेड है। कांगड़ा में जो फोर्ट है नगरकोट फोर्ट, उसके पास ही ये म्यूजियम है और ये एक प्राइवेट म्यूजियम है। ये सुबह 9 से 6 बजे तक ओपन रहता है और अगर आप संडे को भी जाते हैं मंडे को भी जाते हैं तो भी आपको ये ओपन ही मिलेगा। तो यहाँ पे जो एंट्री टिकट है आपकी वो 50 रुपये है इंडियंस के लिए। अब ये म्यूजियम स्मॉल है लेकिन यूनिक है अपने आप में, क्योंकि जो भी रॉयल कटोच डायनेस्टी थी उससे रिलेटेड जो भी एंटीक्विटी उनकी अपनी पर्सनल एंटीक्विटीज थी, पर्सनल आर्टिफैक्ट थे, वो सारे इस म्यूजियम में प्रिजर्व किए गए हैं। यहाँ के आपको क्या क्या मिलेगा देखने को, इसमें मिलेगा आपको दरबार, रॉयल ड्रेसेस, मैन्युस्क्रिप्ट्स, कॉइन, हाउसहोल्ड थिंग्स, गन्स, आर्म्स एंड आर्मर्स एंड मिनिएचर पेंटिंग्स। तो यहाँ पर एक चार्ट भी डिस्प्ले किया गया है और इस चार्ट में आपको जो कांगड़ा के रूलर थे कटोच फैमिली के, उनके ओरिजिन से लेकर जो लास्ट रूलर रहा है उनका, लास्ट जो राजा रहा है, वहां तक की आपको पूरी जीनियोलॉजिकल जो फैमिली ट्री वो आपको देखने को मिलेगा। साथ ही इस म्यूजियम के कॉम्प्लेक्स में एक स्मॉल इटरी भी है, अगर आप यहाँ पहुंचते हो कुछ खाना चाहते हो तो आप यहाँ पे थोड़ा स्नैक्स भी ले सकते हो। ये है राजा संसार चंद म्यूजियम, इसका एंट्रेंस ये है और ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ये ईटरी का पार्ट है जो साइड में है। ये अंदर जो दरबार है, जो हॉल है दरबार हॉल, उसका उसकी इमेज है। तो ये सिंहासन है जिसको कहा जाता है और बाकी इधर उधर भी आपको अन्य एंटीक्विटीज देखने को मिलेगी। तो ये एंटीक्विटीज है, जैसे जो उनके काउच वगैरह है ये आपको देखने को मिल रहे हैं, ये रॉयल ड्रेसेस होगी, ये रेस्ट रूम हो गया, ये पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। तो पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग के 2 स्पेसिमेन आपको मैंने यहाँ पे दिखाए हैं। ये कुछ हाउसहोल्ड जो आर्टिफैक्ट्स या हाउसहोल्ड जो यूजेस की जो चीजें है वो आपको यहाँ पे दिख रही है। ये कॉइन्स है और ये सील है, यहाँ पे जो रॉयल सील है उसका इम्प्रेशन, उसका ये ओरिजिनल सील है। ये आर्म्स और आर्मर्स जो है वहां पे डिस्प्ले की गई है इस म्यूजियम में। नेक्स्ट या फिर हम कह सकते हैं मैं लास्ट म्यूजियम को डिस्कस करने वाला हूं अब। तो लास्ट म्यूजियम जो है ये है शिवालिक फॉसिल पार्क, और ये शिवालिक फॉसिल पार्क जो है ये सिरमौर मेल डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पे एक गांव का नाम है सुकेती, वहां पर लोकेटेड है। अब ये क्यों फेमस है, एक तो इट इज अ नोटिफाइड नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट फॉसिल पार्क एंड इज एशियाज बिगेस्ट फॉसिल पार्क। फॉसिल से आप सब मेरे ख्याल से आपको पता ही होगा फॉसिल क्या होता है। तो यहाँ पर आपको अगर आप यहाँ पे घूम रहे हो तो आपको बहुत सारे फॉसिल्स अभी भी मिल जाएंगे, क्योंकि ये ओपन है, बहुत बड़ा एरिया है, ओपनली आपको घूमने यहाँ पे दिया जाता है। म्यूजियम एक तरफ सेटअप किया गया है, अदरवाइज बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे आप घूम सकते हो, आपको अभी भी वहाँ पे फॉसिल्स मिलेंगे। अब यहाँ पे किस तरह के फॉसिल्स मिलते हैं या यहाँ पे विजिट करने की जो टाइमिंग है, यहाँ पे आपने ध्यान देना है, बाकी म्यूजियम आपको मंडे क्लोज मिलेंगे लेकिन ये ट्यूजडे क्लोज रहेगा, अदरवाइज ये 9:30 to 5 PM ओपन रहता है और गेस्टेड हॉलीडेज को ये बंद रहता है। अब इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, इसमें कलेक्शन ऑफ प्री हिस्टोरिक वर्टिब्रा फॉसिल्स एंड स्केलेटन रिकवर्ड फ्रॉम द अपर एंड मिडल शिवालिक जियोलॉजिकल फॉर्मेशन ऑफ सैंडस्टोन एंड क्ले एट सुकेती। तो सुकेती में जो आपको सैंडस्टोन और क्ले के बीच में जो फॉसिल्स वहां पे रह गए थे वो आपको अभी देखने को मिल जाएंगे।
तो म्यूजियम डिस्प्ले द फॉसिल फाइंड्स एंड एन ओपन एयर एग्जीबिशन ऑफ सिक्स लाइफ साइज्ड फाइबर ग्लास मॉडल ऑफ एक्सटिंक्ट मैमल्स इन अ रिक्रिएशन ऑफ द शिवालिक हिल एनवायरनमेंट ऑफ द प्लियोप्लिस्टोसीन इरा सिर्का 2.5 मिलियन ईयर्स अगो। तो प्लियोप्लिस्टोसीन इरा में जो मैमल्स थे अब तो एक्सटिंक्ट है, अब वो नहीं मिलेंगे, लेकिन उनके हमें वहां पे फॉसिल मिलते हैं और उन्हीं फॉसिल के बेस पर उनको उनका जो लाइफ साइज्ड मॉडल बनाए गए हैं वहां पे फाइबर ग्लास के, वो आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। और जो अंदर है जो म्यूजियम में, अब म्यूजियम में क्या एग्जिबिट किया गया है, म्यूजियम में जो स्केलेटल रिमेन्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्कल्स एंड लिम्स ऑफ मैमल्स स्कल्स ऑफ हेक्साप्लोडोन टॉर्टोइज घड़ियाल एंड क्रोकोडाइल्स टस्क ऑफ 22 स्पीशीज ऑफ एलिफेंट्स रॉक्स एंड चार्ट्स एंड पेंटिंग्स रिलेटेड टू द सेवरल एस्पेक्ट्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ ऑफ द पास्ट एंड प्रेजेंट द स्टोन आइटम ऑन द डिस्प्ले बिलोंग्स टू द अर्ली पैलियोलिथिक मैन। ठीक है, और क्या इसमें, इट ऑल्सो प्रिजर्व इन द म्यूजियम आर फॉसिल्स ऑफ टू जेनर ऑफ एक्सटिंक्ट प्राइमेट्स शिवापिथिकस एंड रामापिथिकस। तो रामापिथिकस और शिवापिथिकस जो है अर्ली जो हमारे ह्यूमनॉइड है उस कैटेगरी में आते हैं, तो वो भी यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे जब कैप्टन कॉटली जब यहाँ पे पहुंचे थे उन्होंने इस एरिया को विजिट किया था, तो जो एंटीक्विटी उन्होंने अनर्थ की वहां से वो भी आपको म्यूजियम में देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ कुछ रिमेन्स आपको यहाँ पे क्या मिलने वाले हैं, जो नर्मदा मैन है, ठीक है, तो उसकी भी यहाँ पर आपको जो कॉपी है, ओरिजिनल स्कल तो नहीं है लेकिन जो उसकी कॉपी है वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले की हुई मिलेगी। तो आप पिक्चर में आप देख सकते हो कि इसमें क्या क्या है। ये वो जो फाइबर ग्लास के जो लाइफ साइज्ड स्कल्पचर बना रखे है जो मैं जिसकी मैंने बात की, तो सिक्स वो अलग अलग एनिमल्स है, इसमें एलिफेंट आ रहा है, टॉर्टोइज आ रहा है, ये सेबर टूथेड डॉइंस है, इनके अगर आप कैनाइंस देखेंगे इनके जो दांत है कैनाइंस वो बहुत लंबे लंबे, इसको इसलिए इनको सेबर टूथेड लॉइंस कहा जाता है। ये है जिराफ की जो अर्ली स्पीशीज थी, या जैसे हमारे एंसेस्टर थे वैसे ये भी जो जिराफ है अभी उसके एंसेस्टर है उनके, इसको फोर हॉर्न्ड जिराफ, इसके जो सींग थे वो चार और बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे, जो आज जिराफ देखोगे उसके सींग इतने बड़े नहीं होते हैं, हालांकि इससे वो बड़े होते हैं अभी। ये हिप्पोपोटामस है और ये घड़ियाल है। ये फॉसिल्स है जो वहां पे रिकवर किए गए हैं, फॉसिल डिस्प्ले किए गए हैं यहाँ पे, ये फॉसिल्स को क्लेक्टली बनाया गया है और जो भी लाइफ साइज जो भी कलेक्शन से बनी है टोटल स्केल्टर रिमेन्स को एक साथ प्रिजर्व किया गया है एक बॉडी मिलाकर। फिर ये फॉसिल वुड भी है वहां पे, और ये जो है ये जो जॉज होते हैं हिप्पोपोटामस के उसके फॉसिल्स है। यहाँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको जो है फॉसिल और उसका ये फॉसिल्स के जो पार्ट है वो देखने को मिले कि भाई ये सारे फॉसिल्स है साइड में, और सेंटर में आपको जो एलिफेंट यहाँ पे था वो उसकी उसका स्कल्पचर बना हुआ है, और जो भी फॉसिल्स है वो कौन से पार्ट के थे वो आपको यहाँ पर साथ में बताए गए हैं कि कौन से पार्ट का फॉसिल्स है। तो इस तरह से इसको डिस्प्ले किया गया है कि आप बहुत इजीली अगर आप यहाँ पे जाते हो तो अगर आप फॉसिल्स में इंटरेस्ट रखते हो तो आपको यहाँ पे जाकर बड़ा सुकून मिलेगा, बहुत नॉलेज मिलेगी। आई थिंक ये अब कुछ और डिस्प्ले है यहाँ पे, जैसे बोवाइन जो होती है मतलब जो गाय या हमारे जो बुफेलोज है उसकी स्पीशीज से रिलेटेड है फॉसिल्स, ये जो यहाँ पे लीफ इम्प्रेशन है, ये है जो नर्मदा मैन है उसकी जो स्केलेटन था उसका उसकी कॉपी है ये। तो मैंने
हिमाचल में यूनिक म्यूजियम है उनके बारे में बताने की कोशिश की। अदरवाइज जो बाकी म्यूजियम है उसमें आपको यही कुछ कॉमन सी चीजें मिलने वाली है हर जगह, लेकिन ये जो म्यूजियम थे जो हमने आज डिस्कस किए हैं अभी हिमाचल के बारे में, ये यूनिक है। अगर आप रेल का म्यूजियम देखोगे तो रेल का पूरे हिमाचल में एक ही है। जेल म्यूजियम के बारे में देख सुनोगे तो पूरे हिमाचल में एक ही म्यूजियम है डगशाई में। फॉसिल पार्क के बारे में देखो तो एक ही फॉसिल पार्क है, वो सुकेती है। इस तरह से जो इम्पोर्टेंट थे, जैसे तिब्बतन म्यूजियम है, तिब्बत के बारे में वो सिर्फ बता रहा है। तो जो इम्पोर्टेंट म्यूजियम थे और यहाँ पे जो प्रिजर्व किया गया है वो यूनिक है, इसलिए सिर्फ मैंने 23 में से 9 म्यूजियम को डिस्कस किया है। तो ये लास्ट था मेरे ख्याल से, ये लास्ट स्लाइड भी थी। तो इसके साथ ही मैं अपना लेक्चर यहीं पे खत्म करना चाहूंगा। तो कोई भी डाउट वगैरह। वन मोर लास्ट स्लाइड इज देयर सर, और एक स्लाइड है। ओके ओके सॉरी। तो ये वहां पे जो है डिस्प्ले किया है कि ह्यूमन की आपको ये ह्यूमन की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री का चार्ट दिख रहा है, और ये जो मैमल्स थे यहाँ पर उनकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री का चार्ट दिख रहा है। तो आई थिंक ये लास्ट है, और इसके साथ ही थैंक्स एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट डॉक्टर विपिन जी। आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे साथ साझा की। जैसे आपने बताया कि 30 अलग अलग म्यूजियम से आपने जो है कुछ जैसे 7 संग्रहालयों की जानकारी, 7 संग्रहालयों की जानकारी हमारे साथ साझा की, जिसमें आपने सबसे पहले हिमाचल स्टेट म्यूजियम शिमला का उसके बारे में आपने बताया, फिर उसके बाद आपने भूरी सिंह म्यूजियम चंबा के बारे में बताया, आर्मी हेरिटेज म्यूजियम शिमला, ये भी किसी आर्मी के संग्रहालय को इस तरह से नाम दिया जाता है ये भी मैंने पहली बार सुना, क्योंकि हमेशा टैंक म्यूजियम और एरोप्लेन म्यूजियम डिफरेंट नाम हम सुनते हैं, बट आर्मी हेरिटेज म्यूजियम ये भी नाम हमने पहली बार सुना था। और इसके बाद आपने बाबा भलकू रेल म्यूजियम जो बताया, और बाबा भलकू जिनके बारे में आपने बताया, दोज पीपल हु हैव देयर ओन सम स्किल्स, भले ही वो उसमें पढ़े लिखे ना हो मगर उनके पास वो स्किल्स है, और उन्होंने उस समय गवर्नमेंट को, उस समय के इसको जो मदद की उसकी याद रखते हुए ये संग्रहालय जो बनाया गया है, एक अलग सा उदाहरण आपने इसमें दिया। और उसके बाद आपने ये दागाशाही सेंट्रल जेल एंड म्यूजियम के बारे में बताया, सोलन का जो है, तो सेंट्रल जेल जेल के म्यूजियम जो है हमारे पास भारत में, जैसे आपने बताया दिस इज द सेकंड म्यूजियम, और अंडमान सेलुलर जेल जो है उसको भी इस तरह का एक म्यूजियम बनाया गया है। महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र में आज की तारीख में जितने जेल है वो सभी के सभी ब्रिटिश पीरियड में बने हुए हैं, दो इट इज एन एरवडा जेल और एनी अदर जेल, क्योंकि महाराष्ट्र के सभी जेल को मैंने विजिट की है, कर्नाटका के धारवाड़, मैसूर, गुलबर्गा, कुछ जेल्स को मैंने विजिट किया था, तो यहाँ पर भी एक अपनी विरासत है, एक हेरिटेज है, क्योंकि वो उस समय थे, उस समय के हमारे आजादी के बहुत सारे ऐसे महान लोग जिनको जेल में रखा गया, हमारे अहमदनगर का फोर्ट जो है, फोर्ट के अंदर भी इस तरह से जो जेल बनाया गया था 1942 के समय में, और वहां पर भी जो रखा गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू और सभी लोगों को, तो इस तरह से कई सारे ऐसे जेल है कि जिनको भी इस तरह से म्यूजियम में कन्वर्ट किया जा सकता है, एक बेस्ट एग्जाम्पल आपने दिया। और उसके बाद फिर आपने राजा संसार चंद्र म्यूजियम उसके बारे में बताया, और यहाँ की पेंटिंग्स और उसके बारे में बताया, ये भी बड़ी अच्छी बात लगी कि अलग अलग जो पेंटिंग्स, और पहली बार किसी ने हमारे संग्रहालय के इसमें इस तरह का जिक्र किया है, सोनी महिवाल, हीर रांझा, और ये सभी प्रेम कहानियों के बारे में, लव स्टोरीज के बारे में बोलना भी लोग जो है शायद जुल्म समझते हैं, गुनाह समझते हैं, बट आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि किस तरह से इस आर्टिस्ट ने ये कार्य। म्यूजियम अपने आप में एक प्रेम कहानी के इसमें निर्माण हुआ म्यूजियम है, ऐसा हम कहते हैं। अभी मैं उस म्यूजियम का ट्रस्टी हूं, तो ये हमारे लिए खुशी की बात रही। और आपने फिर उसके बाद हमें जो जानकारी दी शिवालिक फॉसिल पार्क, तो किसी फॉसिल पार्क म्यूजियम के बारे में मैंने पहली बार इस तरह से जानकारी ली है जो हमारे यहीं पर है और इतना अच्छी तरह से उसको बनाया गया है। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर अ वंडरफुल जर्नी ऑफ दिस ऑल द म्यूजियम्स इन हिमाचल प्रदेश।
समय के हिसाब से आपने ये जानकारी हमारे साथ बहुत अच्छी तरह से साझा की। इफ देर आर एनी क्वेश्चन देन प्लीज वेलकम, अगर कुछ सवाल है तो जरूर पूछिए, क्योंकि लास्ट में कुछ समय हमारे हमेशा के लिए हम यस विक्रम भारद्वाज जी, या आप खुद हिमाचल प्रदेश से है और आप भी इस विषय में रुचि रखते हैं, जरूर पूछिए जी विक्रम भारद्वाज जी। डॉक्टर विपिन for a wonderful presentation in real sense in near about 45 minutes he summed up in a very precise manner that what is the basic heritage of India. In the lecture series we have heard about the very best museum like Sansar and like Salar Jung Museum, Hyderabad Museum, and at the same time, but at the same time from this lecture the whole nation will know that in Himachal Pradesh also we are very culturally hit rich, and at the same time we have several important things that you say further any particular scholar from the field of history or any particular tourist can find out here. Thanks a lot sir for this wonderful presentation and congratulations from us. Thank you sir, thank you. Yes Vinayak Niturkar ji, yes please. बहुत खूब प्रेजेंटेशन किया, म्यूजियम का जो डिस्प्ले भी बहुत अच्छा दिखा है, उसमें जो फॉसिल्स के पार्ट्स थे वो बहुत ही अच्छा दिखा है, डिस्प्ले पेंटिंग के मिनीचर भी उसका डिस्प्ले बहुत ही अच्छा प्रेजेंट किया है, ऐसा कुछ नया देखने को मिला ये सेशन में। ये हर सेशन में कुछ नया देखने को मिलना चाहिए ऐसा मैं सोच रहा था, वो आज बहुत पूरा हो गया। पहले पहले दिन जो डॉक्टर अंबिका पटेल जी उन्होंने बहुत खूब एक्सप्लेन किया था म्यूजियम कैसा, तो ऐसा लग रहा था कि म्यूजियम में कुछ जो जो भी कोई उसमें ज्यादा जिन्होंने कुछ यस यस आपकी आवाज बंद हो गई बीच में। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ अभी आ रही है, अभी अनम्यूट कीजिए, खुद को अनम्यूट कीजिए। हाँ नाउ ओके। जिन्होंने ज्यादा उसमें जो पीएचडी वगैरह किया है तो वो देखने को मिलना चाहिए था ऐसा मुझको लग रहा था, तो ये सेशन जो पहले दिन हुआ था उसके माफिक आज लास्ट दिन भी बहुत ही अच्छा हो गया प्रेजेंटेशन। थैंक यू थैंक यू जी जी थैंक यू सर थैंक यू जी। हमारे ये विनायक नेटुरकर जी और हमारी जो टीम है ये सेंट्रल म्यूजियम नागपुर से है, इट इज आल्सो वंडरफुल म्यूजियम इन महाराष्ट्र। मैंने लास्ट टाइम भी इसके बारे में बताया था जब हमारे म्यूजियम्स ऑफ महाराष्ट्र का सेशन हुआ था, डॉक्टर सोफिया कारंजिया मैडम ने उसे लिया था, उस समय भी हमने बताया था कि जो भी महाराष्ट्र में आएंगे जरूर इस संग्रहालय को देखे, क्योंकि छत्रपति शिवाजी म्यूजियम मुंबई के साथ साथ हमारा सेंट्रल म्यूजियम नागपुर और केलकर म्यूजियम जो है इट्स अ रियली वंडरफुल म्यूजियम, सो प्लीज विजिट दिस ऑल। और मैं यहाँ पर हमारे बाकी जो साथी है, यस विक्रम जी कुछ कहना चाहते हैं आप? विक्रम भारद्वाज, व्हाट अबाउट द ग्रुप फोटोग्राफ टुडे, आर वी गोइंग टू हैव अ ग्रुप फोटोग्राफ इन द लास्ट? यस यस यस, आई रिक्वेस्ट टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स, दोज हु आर इन गुड कंडीशन प्लीज ऑन देयर वीडियोस। मैं सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया अपना वीडियो ऑन कीजिए ताकि हम सबका एक ग्रुप फोटो ले सकेंगे। आई रिक्वेस्ट टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स प्लीज ऑन योर वीडियो सो दैट वी कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। यहाँ सभी लोग बस एक मिनट के लिए बस कहीं आजू बाजू में जाकर के जहां फोटो अच्छा आ सकेगा ऐसे दीवार के पास जाके खड़े रहें, बस एक मिनट सब लोग अपना वीडियो ऑन कीजिए। अब ये भी पता चलता है कौन लोग जगह पर नहीं है। गरिमा शर्मा जी, निकिता शर्मा जी, अंशुमी चौधरी जी, प्रमिला मित्रा जी, उसके बाद तारिक रसूल जी, सारंग अरोरा जी, प्रियंका चौधरी जी, रामदास एडे सर, जोया खान मैम, मंसूर खान जी, डॉक्टर सोफिया कारंजिया मैडम, श्रेया शर्मा जी, रामयानी सेन गुप्ता जी, सुष्मिता चक्रवर्ती जी, वैलरी विनीता जी शायद, हाँ यस ओके, कुलगौरी सिंह जी, देन नीतू हिस्टोरियन जी, सौरियाना सेन गुप्ता जी और प्रकाश यस जी,
और उसके बाद अंकिता का साथ। प्लीज ऑन योर वीडियो फॉर वन मिनट, वी वांट टू टेक वन स्क्रीनशॉट। यस ओके, यस मैडम, सुखा मैडम आपका साउंड ऑन हो गया है, कृपया वीडियो ऑन कीजिए। इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल। सब लोग रेडी है, कृपया सामने देखिए बस एक मिनट के लिए। जस्ट अ मिनट, वन मोर। यस यस, अभी अभी लोग आ रहे हैं। ओके ठीक है, जब थोड़ा देखिए एक मिनट के लिए, फिर से आगे। सब लोग रेडी, वन टू थ्री, स्माइल स्माइल प्लीज। यस थैंक यू थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू। आप सब लोग बने रहे हमारे साथ में, और मैं यहाँ पर ये भी क्षमा चाहता हूँ कि हमारे जो दो सेशन थे, एक बिहार और दूसरा राजस्थान म्यूजियम्स के लिए, तो उसके जो पार्टिसिपेंट्स थे वो कुछ प्रॉब्लम्स था उनका, जिसकी वजह से वो यहाँ पर नहीं हो सके, बट उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो लोग उसके बारे में सेशन जरूर करेंगे। जब भी उनको पॉसिबल होगा हम उसका रिकॉर्डिंग करके हमारे ग्रुप में शेयर करेंगे, और अगर उनको पॉसिबल नहीं भी हुआ तो हम खुद उसका प्रेजेंटेशन बनाएंगे और हम सभी के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि ये हमारी सीरीज है जिसे हमें कंप्लीट करना ही है। सो प्लीज कीप इन टच, हमारे ग्रुप में बने रहिए। संग्रहालय से संबंधित जो भी विषय है इसके बारे में अगर कुछ सवाल भी हो, आज के बाद में हमारा जो ग्रुप है वो सबके लिए कमेंट्स के लिए खुला रहेगा। आपकी कुछ कमेंट्स हो, आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो आप ग्रुप में जरूर पूछिए, और हमारे जितने स्कॉलर्स हैं जिन्होंने इसमें लेक्चर्स दिए वो सभी ग्रुप में भी ऐड हो जाएंगे। और सभी ने बताया है, अभी दो तीन दिन पहले भी हमारी सभी के साथ बात हुई तो सभी ने ये बताया है कि दे ऑल्सो इंटरेस्टेड टू ऐड इन द ग्रुप, और अगर कुछ भी सवाल हो तो हम इसे शेयर करते रहेंगे सभी के साथ। दिस ये हमारे यहाँ महाराष्ट्र की एक संत परंपरा जिसमें बताया है कि ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, तो उसी तरह से ये ज्ञान की गंगा है, धरोहर है नॉलेज की। हम सब जो है हमारी विरासत को एक दूसरे के साथ शेयर करते रहे, अवेयर करते रहे और सबके साथ बांटते रहे। अगर कुछ सवाल हो हम एक दूसरे को पूछ करके जो है वो हम आगे बढ़े। सो थैंक यू सर। हाँ यस प्लीज सर। सर मी रामदास बोलतो सर, माझी एक विनंती अशी होती की सर्व जे आता आपले सर्व सेशन झाले अशा स्वरूपाची माहिती देणार, म्हणजे भारतातील सगळं वस्तू संग्रहालयाची माहिती देणार मराठीमध्ये काही पुस्तक आहे का? मराठीत आतापर्यंत असं कुठलंच पुस्तक लिहिलं गेलेलं नाही आहे। एक आर्टिकल प्रखे जामखेडकर सरांनी लिहिला होता लोकराज्यला, तो पण महाराष्ट्रातील वस्तू संग्रहालयांच्या बाबतीत लिहिला होता, पण असं पुस्तक कुठलं आतापर्यंत? हिंदी इंग्लिश असेल तरी चालेल सर, एखाद्या असं पीडीएफ सॉफ्ट कॉपी असेल तरी। हाँ इंग्रजी मध्ये, इंग्रजी इंग्लिश में कुछ बुक है और हिंदी में डॉक्टर सिंह साहब ने किताब लिखी है, बट उसमें कुछ ही संग्रहालयों की जानकारी दी है। संग्रहालय विज्ञान नाम की वो किताब है, तो इसके बारे में हम अपने ग्रुप में उसका फोटो उसके जानकारी शेयर करेंगे। दोस बुक्स विच आर रिलेटेड टू आवर म्यूजियम स्टडीज, संग्रहालयों के बारे में जिसमें हमें जानकारी मिलती हो वो हम ग्रुप में शेयर करेंगे। सो थैंक यू थैंक्स अ लॉट। और मैं इसमें अभी तक हमारे सेशंस में जो भी टेक्निकल इश्यूज या जो भी प्रॉब्लम्स हुए हो उसके लिए मैं आप सभी के हाथ जोड़ करके क्षमा मांगता हूँ। कुछ गलतियां हुई है, जरूर हुई है, और मैं उसके लिए जिम्मेदार हूँ, मैं उसके लिए आप सबकी क्षमा चाहता हूँ। और अगर कुछ आपको पूछना भी हो तो हमारा ग्रुप जो है, मैंने जैसे कहा हमारा ग्रुप हमेशा के लिए भी खुला है, उसमें हम सब एक दूसरे के जो है वो जानकारी शेयर कर सकते हैं। सो यस I wanted to thank you Bhujang sir, and I think on behalf of everybody also, everybody would want that, for conducting this entire session so efficiently, and sabki queries aapne li aur kuch bhi problem hua you were always there. So I think to all the distinguished persons but also to you and your institute, so thank you so much. थैंक यू वल्लरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे यहाँ जितने पार्टिसिपेंट्स हैं नेशनल म्यूजियम को विजिट करेंगे तो वल्लरी विनीता जी से जरूर मिलेगा, वो वहीं पर कार्य करती है, और ये हमारी राष्ट्र की सबसे बड़ी धरोहर है हमारा नेशनल म्यूजियम, और वहाँ का जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है। यहाँ जितने अच्छे कोर्सेस हमारे संग्रहालय शास्त्र के बारे में चलते हैं उसको जरूर यूज कीजिए। अगर कोर्सेस को हम ज्वाइन नहीं कर सकते, जरूर वहाँ विजिट करके वहाँ से कुछ नॉलेज तो हम ले सकते हैं। तो मैं यस यस थैंक यू थैंक्स अ लॉट थैंक यू एंड विद द काइंड परमिशन ऑफ ऑल ऑफ यू नाउ वी विल स्टॉप हियर। यस
एंड अगेन थैंक्स अ लॉट टू डॉक्टर विपिन शर्मा जी. सैयद जी आप कुछ कहना चाहते हैं? सैयद आजम जी. नहीं, थैंक यू सो मच सर, बहुत ही इंफॉर्मेटिव आपने कोर्स रखा था और हमारे जैसे न्यू कमर्स के लिए तो बहुत बहुत सारा, जैसा कि हर जगह पे कैसे करते हैं, जैसे कि ज्वाइनिंग तो हो जाती है मगर उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती हमें, तो आपने ये कोर्स जो आपने अरेंज किया था इसके इसके जरिए से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली है. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू, थैंक यू. इसी तरह से हम म्यूजियम्स, म्यूजियोलॉजी एंड आर्काइवल साइंस के लिए 30 आवर्स का स्टूडेंट्स के लिए, पर्टिकुलरली फॉर द कॉलेज स्टूडेंट्स कोर्स हमने डिजाइन किया है. और इस 30 आवर्स कोर्स की जो फीस है स्टूडेंट्स के लिए पर्टिकुलरली, जिसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, ओनली 300 रुपीज फीस है. कोर्स ऑफ म्यूजियम्स, म्यूजियोलॉजी एंड आर्काइवल साइंस. अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट, हमारा एलिफेंटन कॉलेज जो है उनके साथ मिलकर के हमने इसकी शुरुआत की है. अगर आप भी अपने यहाँ पर, अपने इंस्टीट्यूट में, अपने कॉलेज या किसी इसमें अगर आप करना चाहते हैं तो आप जरूर हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं. एंड इट्स फॉर द न्यू जनरेशन, सो दोज हु आर इंटरेस्टेड, देर इज नो एनी एज बैरियर, नो एनी एजुकेशन बैरियर. जो करना चाहता है, जिसे इच्छा है, वो कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है. So thank you, thanks a lot again, and with the kind permission of Dr. Vipin Sharma ji and with all the participants, now we'll stop here. Thank you, thanks a lot again. Okay. Thank you.